हाय गाइस, वेलकम टू आवर चैनल कार DIY। आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए एक नई वीडियो जिसमें हम देखेंगे हम कैसे घर पे ही चार्ज कर सकते हैं अपनी बैटरी को। तो कभी कभार ऐसा होता है हमारे साथ जब हमारे कार या बाइक की बैटरी डाउन हो जाती है। तो यहाँ पे मेरे पास एक बाइक की बैटरी है जो कि 12 वोल्ट 5 एम्पियर आवर की है। तो मैंने अपनी बाइक को काफ़ी टाइम से यूज़ नहीं किया था, तो खड़े खड़े मेरे बाइक की बैटरी डाउन हो गई थी और मेरी बाइक स्टार्ट नहीं हो पा रही थी। तो मैंने मार्केट से एक चार्जर परचेज़ किया जिसकी हेल्प से मैं इसको चार्ज करके दिखाऊंगा। तो वीडियो शुरू होने से पहले आप कीजिए हमारे चैनल कार DIY को सब्सक्राइब, ताकि ऐसी वीडियो आप आगे भी देख सकें बिना मिस करें। तो इस वीडियो में मैं बताऊंगा कंप्लीट डिटेल्स इस चार्जर के बारे में, कहां से लिया मैंने ये चार्जर, कितने में लिया, और देखेंगे क्या ये चार्जर इस बैटरी को चार्ज कर पाता है या नहीं कर पाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले हम एक बार मल्टीमीटर का यूज़ करके चेक कर लेते हैं कितनी वोल्टेज शो हो रही है बैटरी में। उसके बाद हम चार्जर को बैटरी से कनेक्ट करके देखेंगे कि क्या वोल्टेज शो हो रही है, और उसके बाद हम चेक करेंगे कि हमारी बैटरी चार्ज हुई या नहीं हुई। तो यहाँ पे मेरे पास है मल्टीमीटर जिसको मैंने DC पे सेट कर दिया है, DC वोल्टेज पे 20 पे। अब मैं चेक करूँगा बैटरी की वोल्टेज और हम देखेंगे कितनी वोल्ट है बैटरी के अंदर अभी। तो जैसा कि आप देख सकते हैं अभी यहाँ पे 10.45 शो हो रही है, जबकि ये 12 वोल्ट से ज़्यादा होनी चाहिए। अभी ये बैटरी डाउन हो रखी है, तो इसको चार्जर से कनेक्ट करके हम एक बार देखेंगे कि इसके बाद ये चार्ज होती है या नहीं होती है। तो ये यहाँ पे मेरे पास चार्जर है, तो मैं इसके बारे में बताता हूँ। ये SMPH चार्जर है मेरे पास यहाँ पर। तो आप जैसा कि इसके पीछे देख सकते हैं, ये एक आइकॉन कंपनी का SMPH 2 एम्पेयर का चार्जर है 12 वोल्ट की बैटरी के लिए। तो जहाँ से मैंने ख़रीदा था उन्होंने यहाँ पे डेट डाल के दी है। ये मैंने एक लोकल मार्केट की शॉप से ख़रीदा था, ये मेरे को 390 रुपीज़ में पड़ा, और उन्होंने बोला ये काफ़ी अच्छा चार्जर है और इजीली ये बाइक की बैटरी को चार्ज कर देगा। तो चलिए एक बार इसको कनेक्ट करके देखते हैं कि ये सही में चार्ज कर रहा है बैटरी को या नहीं कर रहा है। अगर आपको भी ऐसा बैटरी चार्जर अपनी बाइक के लिए ख़रीदना है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो आप इजीली उस लिंक पे क्लिक करके इस चार्जर को बाय कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और कनेक्ट करते हैं इस चार्जर को बैटरी से। तो यहाँ पे हमें दो एलिगेटर क्लिप मिल जाती है, पॉजिटिव और नेगेटिव, बैटरी से कनेक्ट करने के लिए। मैं इसको, ये रबड़ है यहाँ पर, मैं इसको हटा दूंगा। तो हमको ये दो क्लिप मिल जाती हैं, एलिगेटर क्लिप बैटरी से कनेक्ट करने के लिए इस चार्जर को, और ये मिल जाता है हमें एक प्लग इस चार्जर को AC सप्लाई से कनेक्ट करने के लिए। तो मैं इस चार्जर को कनेक्ट कर देता हूँ सॉकेट में। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने इस चार्जर को कनेक्ट कर दिया AC सप्लाई के साथ, पर मैंने अभी इसको ऑन नहीं किया। पहले मैं इन एलिगेटर क्लिप्स की हेल्प से इसको कनेक्ट कर दूंगा। अब हमारे पास जो ये दो वायर है, जहाँ पे ब्लैक वायर हमें नेगेटिव से कनेक्ट करना है और रेड वायर हमें पॉजिटिव से कनेक्ट करना है, अगर आप फिर भी कन्फ्यूज हैं तो आप एक बार मल्टीमीटर की हेल्प लेके इसको चेक कर सकते हैं। मैं ब्लैक क्लिप को कर रहा हूँ यहाँ इससे कनेक्ट, और अगर यहाँ पे नेगेटिव का साइन नहीं आएगा तो इसका मतलब है हम सही कर रहे हैं। रेड वायर को मैंने रेड से कनेक्ट कर दिया है। अब मैं इस चार्जर को ऑन कर रहा हूँ। तो ऑन करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं 18 वोल्ट शो हो रहा है और कोई नेगेटिव साइन नहीं आ रहा, इसका मतलब है हमारा जो सर्किट है वो बिल्कुल करेक्ट लगा हुआ है। अब सिमिलरली मैं ब्लैक वाले को नेगेटिव से कनेक्ट कर दूंगा और रेड वाली को मैं पॉजिटिव से कनेक्ट कर दूंगा, और अब इस चार्जर को मैं ऑन कर दूंगा। तो अब ये बैटरी चार्ज होनी शुरू हो गई है। अब एक बार मल्टीमीटर का यूज़ करके हम चेक कर लेते हैं कि कितनी वोल्टेज हमें ये शो कर रहा है, बैटरी चार्ज हो रही है नहीं हो रही। तो मैंने नेगेटिव पे ब्लैक को लगाया है और पॉजिटिव पे मैं रेड को लगा रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 15 वोल्ट ये शो कर रहा है। तो आप ये देख सकते हैं यहाँ 15 वोल्ट शो हो रहे हैं, 15.9, मतलब कि ये बैटरी चार्ज हो रही है। अब मैं इस बैटरी को चार्ज होने के लिए छोड़ दूंगा और मैं इसको 6 या 7 घंटे बाद चेक करूंगा ये बैटरी चार्ज हो रही है या नहीं हो रही है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने इसको एक सेफ लोकेशन पे, मैंने इसको एक चार्जिंग पोर्ट पे लगा दिया था। तो आप देख सकते हैं चार्ज हो रहा है और अभी इसको ऑलमोस्ट 2 घंटे हो गए हैं चार्ज होते हुए। मैंने इसको 11 बजे चार्जिंग पे लगाया था, अब ऑलमोस्ट 2 घंटे हो गए। तो एक बार मल्टीमीटर का यूज़ करके इसकी वोल्टेज चेक कर लेते हैं एक बार फिर से कि अब क्या वोल्टेज ये शो कर रहा है।
और जैसा कि मैंने इसके बारे में पढ़ा था चार्जर के बारे में, तो ये ओवरचार्ज नहीं करेगा इस बैटरी को। इस चार्जर की सारी स्पेसिफिकेशन मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप जाके चेक कर सकते हैं। तो चलिए एक बार चेक कर लेते हैं इसके वोल्टेज को। तो अभी आप देख सकते हैं वोल्टमीटर में हमें ये वोल्ट शो हो रही है, जो कि ऑलमोस्ट 16 पहुंच गया है, 16 वोल्ट शो हो रहा है ऑलमोस्ट, बट फ्लक्चुएट कर रहा है। तो अब इसको ऐसे छोड़ देते हैं और देखते हैं ये कितनी देर में चार्ज हो जाता है। तो मैंने इस बैटरी को रात को 11 बजे चार्जिंग पे लगाया था और सुबह अराउंड 8 बजे मैंने इसको रिमूव किया, तो ऑलमोस्ट अराउंड 9 घंटे के आसपास मैंने इस बैटरी को चार्ज किया है। अब मल्टीमीटर को यूज़ करके एक बार इसकी वोल्टेज चेक कर लेते हैं कि कितनी वोल्टेज शो हो रही है चार्ज होने के बाद। तो आप देख सकते हैं मुझे यहाँ पे ऑलमोस्ट 18 वोल्ट ही दिखा रहा है, 17.9 तक जा रही है ये वोल्टेज। तो आप देख सकते हैं ये वोल्टेज शो हो रही है। अभी मैं इसको चेक करने के लिए एक चीज़ ये करूँगा, मेरे पास एक हॉर्न है उसको अटैच करके देखूँगा कि बैटरी सेम चार्ज हुई भी है या नहीं हुई। तो मैं कनेक्ट करके दिखाता हूँ हॉर्न को। तो मैं हॉर्न को लगा के आपको दिखाता हूँ, ये है हॉर्न। अब हॉर्न को मैं करूँगा कनेक्ट और देखते हैं चार्ज हुआ है नहीं हुआ बैटरी। बहुत ही तेज बज रहा है, इसका मतलब है कि ये चार्ज अच्छी तरह से हो गई है बैटरी। मैं इसको उठा लेता हूँ हाथ में और अब दिखाता हूँ, प्रॉपर साउंड आ रही है। सिमिलरली मैंने हॉर्न को जब बैटरी डिस्चार्ज हो गई थी तब भी कनेक्ट करके देखा था, बट वो वीडियो में कवर नहीं है, तो हॉर्न बिल्कुल नहीं बज रहा था, मतलब बहुत ही धीरे बज रहा था। तो बैटरी बिल्कुल अच्छे से चार्ज हो गई है, ये चार्जर जो है अच्छे से चार्ज कर पा रहा है। तो ये छोटा सा पोर्टेबल चार्जर जो कि 390 रुपीज़ में मैंने लिया, ये 2.5 से लेके 14 एम्पियर आवर की किसी भी बैटरी को चार्ज कर सकता है इजीली। और जो मेरे पास बैटरी थी वो 5 एम्पियर आवर की थी, जो इस चार्जर ने इजीली चार्ज कर दी। तो मुझे ये चार्जर पसंद आया। तो ये काफ़ी अच्छी एक डिवाइस है जो कि आपके घर पे काम आ सकती है। अगर आपकी बाइक की बैटरी डाउन हो जाए तो आप इजीली चार्ज कर सकते हैं, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, आप घर पे इसे चार्ज कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो कीजिए इस वीडियो को लाइक, ऐसी वीडियो आगे भी देखने के लिए कीजिए हमारे चैनल कार DIY को सब्सक्राइब। थैंक यू।